हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अर्चना वर्ल्ड क्रिएशन में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के पास कुछ ऐसे पौधे लेके आई हूँ जो है सकुलेंट वैरायटी का पौधा। तो देखिए, कुछ में फूल आया है, कुछ में फूल नहीं भी आया है, और ये मैच्योर हो जाने पर दूसरे सीजन में इसमें फूल भी आ जाता है। तो आप सकुलेंट सबसे पहले हम कैसे पहचाने, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम को देखना है ये सकुलेंट कैसे पता लगाए। तो देखिए, ये मैं हैंगिंग एक ले ली, और इसका जो है आप ये पत्ता जो है आप प्लेस करके इस तरह आप पत्ता ले सकते हैं, और इसको निचोड़ करके देखिए इस तरह जो दबाइएगा तो इसमें से पानी निकलेगा। पूरा पानी से ये भरा रहता है, पूरा गद्दे जैसा पानी से भरा रहता है, तो इसलिए हम इसे सकुलेंट कहते हैं। और ये पानी के अब्जॉर्ब करके रखे रहते हैं, इसलिए पूरा गद्दे चमकीलेदार पत्ता रहता है इससे का। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये सकुलेंट है। तो ये सकुलेंट प्लांट जो है दोस्तों, इसको अब हम कैसे, एक पौधे से हम अनेक पौधा भी बना सकते हैं। आप अपने घर पे एक यदि पौधा लेके आ जाते हैं तो इसी एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे बनाए, तो जैसे कि ये मैच्योर जब हो जाता है तो इसके नीचे से, जैसे कि ये देखिए मेरे नीचे से देखिए कैसे बेबी प्लांट निकला हुआ है, और इसे एक बड़ा वाला था जिसको मैं दूसरे गमले में शिफ्ट कर दी थी, जैसे कि ये वाला है, ये है, तो इसको मैं इसी से शिफ्ट कर दी। तो इस तरह यदि आपको गमले में दूसरे पौधे निकल चुके हैं तो आप उसको कुछ दिन के बाद दूसरे गमले में जड़ को निकाल करके शिफ्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, एक प्लांट से आप दूसरे प्लांट बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है लीफ। ये लीफ देखिए मैच्योर लीफ है, जैसे कि ये मेरा मैच्योर लीफ है, इसको मैं तोड़ के ये मैं रख ली हूँ, और देखिए इस तरह मैं तोड़ के बहुत सारे बनाई हुई थी, और एक मैं अभी तोड़ी हूँ जिसको मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे है लेना। इसको तोड़ लीजिए, और अब हम क्या करेंगे तो इसको मिट्टी में इस तरह दबा करके रख दीजिएगा। कुछ दिन के बाद क्या होगा, इसमें जड़ निकलेगा, जिसके 7 दिन पहले का पौधा है मेरा पत्ता है, तो इस तरह आप निकल जाता है। और ये 15 दिन हो गया, इसमें बेबी आ गया है, इसमें भी जड़ आ गया है, ये भी 7 दिन पहले का है, ये भी 7 दिन पहले का है। तो इसी तरह आप इस तरह इसको रख दीजिए, और कुछ दिन के बाद आप देखिएगा तो इसमें जड़ निकला रहता है। इससे क्या होगा, आप बेबी प्लांट बना सकते हैं। कुछ दिन के बाद इस पर थोड़ा मिट्टी रख दीजिए, जैसे कि दिसी इसमें मिट्टी रख दी तो ये बड़ा हो गया। इसी तरह आप एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। मेरा बड़ा वाला हो गया है, देखिए कितना बड़ा हो गया। तो इसी तरह मैं अपना घर में ढेर सारे एक ही पौधे से बनाए, जिसके देखिए 3-4 ठो मैं यहाँ पे बना के रख ली हूँ। तो आप इस तरह आप ढेर सारे बना सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों इसका गमले का, तो आप गमले छोटा और बहुत जो होता है उस वाला नहीं लेके, आप थोड़ा कम गहराई वाला गमला ले तो अच्छी तरह से चलता है, क्योंकि इसमें जड़ बहुत बड़ा नहीं होता है। तो आप इस तरह छोटे गमले ले, और जब बड़ा हो जाए तो बड़ा वाला गमला में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह इसके आप छोटे या कम गहराई वाला गमला ले करके आप उसमें सकुलेंट को लगा दीजिएगा, तो ये बहुत दिन तक चलता रहता है। अब हम बात करें मिट्टी का, तो मिट्टी जो है इसमें वेल ड्रेन मिट्टी हमको बनाना होता है। वेल ड्रेन आप कैसे बनाएं, तो जैसे कि बालू है तो बालू आप 60% ले लीजिए, और 20% मिट्टी ले लीजिए, और 20% बर्मी कंपोस्ट ले लेना है, और उसको मिला के हम उसमें फूल लगा सकुलेंट लगा सकते हैं। तो इस तरह आप मिट्टी इसको जो है तैयार कर करके और लगा सकते हैं। अब हम बात करें पानी का, तो पानी जो है वेल ड्रेन, देखिए जैसे कि ये पूरा जब सूख जाए, उसका पूरा ऊपर का लेयर जब सूख जाए तभी हमको इसमें पानी देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है इसका जड़ जो है ये गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, और बहुत दिन तक चलेगा।
क्योंकि ये पानी जो है इसको आवश्यकता अनुसार ये सोचते रहता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारियाँ सकुलेंट के बारे में कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड, आज तक आज इतना ही, बाय।